आज हम लोग चिकन पकौड़ा बनाएंगे, तो उसके लिए मैं तब तक एक कढ़ाई में तेल डाल के गर्म कर रही हूँ। जब तक कढ़ाई में तेल गर्म होगा तब तक हम लोग चिकन में सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ आपके जो चिकन लिए है इसके अंदर एक अंडा डाल रही हूँ मैं। अंडे से टेस्ट आता है थोड़ा सा। एक अंडा डालने के बाद मैंने इसमें एक 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूंगी। या कॉर्नफ्लावर नहीं होगा आपके पास तो आप आरा रोट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, और काली मिर्च पाउडर इसमें ज़रूर डालें आप। इससे थोड़ा चाइनीज़ आइटम का टेस्ट अलग आता है तो अच्छा लगता है। और मैंने शेज़वान चटनी बनाई थी, थोड़ा सा 1 चम्मच लगभग मैं वो इसमें डाल रही हूँ। अब इनको हम लोग मिक्स कर लेंगे, और आपको फूड कलर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हेलो, मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था, मुझे मिल गया था, नहीं मिल रहा था इसे नहीं डाल रही थी, मिल गया। तो थोड़ा सा डालना है चुटकी भर ताकि कलर आ जाए, दिखने में बहुत ज़्यादा ही गॉर्जियस दिखे। इसको मैंने लगभग मिक्स कर लिया है अच्छे से, और तब तक मेरा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसे एक एक करके डालूंगी और इसे अच्छे से पका ले ब्राउन होने तक। मीडियम गैस पे थोड़ा पकाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस हमारे चिकन पकौड़े रेडी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से पक भी चुके हैं। अब इन्हें मैं सर्व करूँगी प्याज शेजवान चटनी और सॉस के साथ गर्मा गर्म। आप भी ज़रूर ट्राई करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। थैंक यू। चिकन लवर्स के लिए चिकन पकौड़ी शेजवान चटनी के साथ घर पे बनाया है, कैसा लगा बताना ज़रूर।